एक आंख न भाता था, करते थे सभी पर्दा जब मैं दिख जाता था, करते थे सभी पर्दा जब जय जय बोलने की आदत हो गई और दूसरा नहीं है नो 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 नो, और दोनों है मेरे बेटे के कारण। जब मैं घर पे ऐसी हमारे आदरणीय संजय भैया या कोई भी भजन चलता है और जब उसमें बोलते ना जय, तो ऐसे हाथ उठा के खड़ा हो जाएगा, और जब जब मैं जय जय बोलती हूँ ना तो मेरी आंखों में उसकी उसका चेहरा नजर आता है। और विश्वास मानिए आप फिर तालियां बजाओ ना बजाओ उसका चेहरा याद करके मेरे को गाने की एनर्जी मिल जाती है। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जब जेब मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता निभाते हैं, जब कोई नहीं आता। आप बोलो, एक बार और बोलना पड़ेगा। जब कोई नहीं आता ये आती है मेरे
इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं। कहते ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब मैं आई थी तो कितने लोग थे, मुश्किल से अगर प्रॉपरली सब लोग एक साथ बैठते ना तो ये जो साउंड का एरिया है ना यहाँ तक भरा होता। लेकिन अभी ठाकुर की इतनी कृपा है कि यहाँ से लेके पीछे तक सारे के सारे प्रेमी भरे हुए हैं। और इसलिए है इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं। जब कोई नहीं आता, अच्छा सत्य बताना जीवन में किसने किसने एक बार भी मेरे बाबा की कृपा महसूस करी है कि जब ऐसा लगा हो कि सारे दरवाजे बंद हो गए हो तब बाबा ने आके हाथ पकड़ा है। अगर एक बार भी ऐसी कृपा महसूस हुई है तो धन्यवाद की तालियां बजाना आपका फर्ज है। एक बार उठाइए पूरे पूरे हाथ, सीधे सीधे हाथ और मिलके तालियों के साथ एक साथ। रोती हुई आंखों को मेरे जामे हंसाते हैं,